हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इन्फोबाइट में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैकेनो व्हील्स का यूज़ करके रिमोट ड्रिलिंग मशीन कैसे बनाना है। ये हमारा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था जो हमने संतोष भाई के लिए बनाया था। हमारा मेन टॉपिक ही यही था कि मैकेनो व्हील्स का यूज़ करके ड्रिलिंग मशीन कैसे बनाना है। तो हमने हर पोर्शन का वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड किया, जो भी हमारे पास अवेलेबल है मैंने उसकी वीडियो बना दी है। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या हमको सामान की ज़रूरत पड़ेगी और उसको कैसे बनाना है। ये हमारा है 30 RPM का मोटर है जो फोर व्हील्स बनेंगे उसमें लगेंगे। ये वुडन ब्लॉक है, हमने इसको सिलेंड्रिकल कर लिया, हल्का सा उसको ओवल शेप में कट कर लिया है और बीच में होल कर लिया है। ऐसे आपको हर एक व्हील में 9 लगेंगे और नेल्स हैं ये वुडन पार्ट को फ्रेम के बीच फिक्स करने के लिए। और ये फ्रेम बनाने के लिए है SMPS का कैबिनेट है और बाकी जो जो सामान लगने हैं कटिंग के लिए। और ये हमारा है ड्रिल बिट और चक है और ये हमारा ड्रिल का मोटर है। ये बाकी जो भी छोटे मोटे सामान लगते हैं वो, और ये हमारा पावर सप्लाई के लिए SMPS। ये है हमारा प्रिंटर का अपर पोर्शन फोटो कॉपियर वाला जो हम ड्रिल मशीन को फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन के लिए यूज़ करेंगे। तो फ्रेम को पहले हम व्हील बनाने के लिए कट कर लेते हैं। तो पहले तो हमने सर्कुलर कर लिया है और इसमें 9 इक्वल डिविजन्स भी बनाने हैं हमको ताकि वुडन पार्ट जो लगेंगे उसमें फिक्स हो सके। तो इसको हम 40-40 डिग्री के एंगल्स में डिवाइड कर लेंगे इक्वली। तो पहले इसका हम इक्वल पार्टीशन कर लेते हैं। ये पार्टीशन लगभग हो ही गया है तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये इस टाइप से आपको कट कर लेना है। उसके बाद हमको एक छोटा सा सर्कल बना के उसके सेंटर से हर एक लाइन के लेफ्ट राइट में एक पॉइंट बना के ज्वाइन करना है उसको। और उसका जो ट्रायंगुलर पोर्शन जो बच रहा है उसको आपको काट के अलग करना है। मतलब एग्जैक्ट ट्रायंगुलर नहीं, हल्का सा ट्रायंगुलर शेप है वो, तो इसको ऐसा काट के हर एक में का अलग कर लेना है। ये हो गया तो सबका ऐसे अलग कर लेना है हमको। ये अलग हो गया, अब हमको इसे सेंटर में होल करना है और जो एंडिंग पार्ट्स हैं उसमें भी हमको होल करना है। और ऐसे ही हर एक व्हील के लिए हमको दो दो फ्रेम बनाने हैं ताकि उसमें हमारा जो वुडन पार्ट है वो फिक्स हो सके। तो वहाँ पे हम नेल का यूज़ करेंगे उसको फिक्स करने के लिए। और इसको आपको क्या करना है, एंडिंग पार्ट को बेंड करना है हल्का सा। और इसमें हम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं एक वुडन पार्ट कैसे लगेगा। इस टाइप से नेल के साथ फंसेगा ये हल्का सा बेंड होके। तो हमने कलर कर लिया है और इसका व्हील कैसे दिखेगा रेडी करने के बाद वो देख लेते हैं। ये तो वुडन पार्ट है, उसको फिक्स करने के बाद ये इस टाइप से दिखेगा। और इसका अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो देखिए हमने क्या है, एमसील से उसको फिक्स कर दिया ताकि जो नेल हमने लगाया वो निकले मत। ये फ्रेम है जिसमें हमारा ड्रिलिंग वाला पोर्शन मोशन करेगा। और ये पूरा बॉडी है रोबोट का जिसमें व्हील्स लगेंगे और ऊपर का पोर्शन ये हमारा ड्रिलिंग वाला सेक्शन जिसमें लगने वाला है। तो हमने सबको फ्रेम को रेडी कर लिया है कंप्लीट। ये मोटर है 30 RPM का। ज़्यादा RPM का लेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से भागता है तो रोबोट कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये हमने फिक्स कर लिया मोटर और व्हील्स फिक्स कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हील्स का डायरेक्शन जिसमें जैसे हमने यहाँ में लगाया वैसा ही लगाना है आपको। ज़रा सा भी उल्टा हुआ मतलब आपका मोशन बिगड़ जाएगा। ये ड्रिल बिट लगा लिया हमने मोटर में, DC मोटर है उसमें। और ये उसका जो पार्ट मोशन कराएगा वो वाला सेक्शन हमने रेडी कर लिया, उसमें भी एक छोटा मोटर लगा हुआ है। तो ये पूरा फ्रेम में हमने इसको बिठा दिया है। एक वायरिंग की हुई है ड्रिलिंग वाले मोटर के लिए, तो बाकी वायरिंग बची हुई है उसको भी कैसे करना है नीचे पे यहाँ पर देख सकते हैं। सब में हमने वायरिंग कर ली है, सिंपल है। बस आपको लगाते टाइम ध्यान रखना है कि मोटर का फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला वायरिंग ध्यान से लगाना है।
और ये हमारा रिमोट है लेफ्ट साइड मोटर के लिए, राइट साइड के मोटर के, और लेफ्ट में एक जो सिंगल है और राइट में एक सिंगल है, दोनों ड्रिलिंग वाले पोर्शन को और फॉरवर्ड बैकवर्ड और क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज के घुमाने के लिए। ये हमारा कंप्लीट असेंबली सेटअप है रिमोट के साथ। चला कर देखते हैं इसको दोस्तों, ये हम चालू कर लेते हैं इसको पहले, और ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक व्हील इसमें आगे और पीछे दोनों मोशन कर सकता है। और कंप्लीट असेंबली की बात करें तो ये एक जगह पे से खड़े होकर लेफ्ट साइड भी मोशन कर सकता है और राइट साइड भी मोशन कर सकता है, और हम चाहें तो उसको एक ही जगह पे सर्कुलर घुमा भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप आगे देखिए ये कैसे वर्क करता है। हमने एक लकड़ी को इसमें ड्रिल करने की कोशिश किया, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ले जाओ वापस, हो गया, वापस लेके जाओ।